नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ फन टाइम एंड थरली इंजॉइंग योर सेल्फ स्टडिंग फार्माकोलॉजी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेरेंटरल रूट के बारे में। जैसे आपको याद होगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक निमोनिक मैंने बताया था, एक मेमोरी कोड, दैट वॉज PET, पेरेंटरल एंटरल एंड ट्रांसडर्मल। ठीक, तो अब एंटरल के बारे में बात हो गई, ORS, ओरल रेक्टल सबलिंगुअल। अब पेरेंटरल की बात करते हैं। पेरेंटरल इज समथिंग विच बाईपासेस द इंटेस्टीन। पार मतलब बाईपासेस, द एंटरम मतलब इंटेस्टीन, सो इट डज नॉट गो इन द इंटेस्टीन। सो सबसे कॉमन जो रूट होता है वो होता है इसमें इंजेक्शंस। एडवांटेजेस, इंजेक्शंस बहुत तरह के, इंट्रावीनस वेन के अंदर, मसल के अंदर, यहाँ डेल्टॉइड में लगता है तो इट इज इंट्रा मस्कुलर। ये दो सबसे कॉमन है, इंट्रावीनस वेन के अंदर, मसल के अंदर, तो इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, बाकी भी होते हैं सबक्यूटेनियस, अदर रूट्स डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। पहली बात, जो लिमिटेशंस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्री, दोज आर सर्कमवेंटेड। मतलब हमने एक वर्क अराउंड देखा, और जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेशंस थी, जैसे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, लेट्स रिवाइज। सबसे पहला, ओरल रूट से ड्रग दिया तो फिर अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट में नहीं दे सकते, इसमें दे सकते हैं अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव में। नौजिया वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स में नहीं दे सकते, इसमें हम लोग दे सकते हैं जो पेशेंट को नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है। ठीक है, डायरिया का अगर पेशेंट है तो भी उसको नहीं दे सकते, तो इसमें डायरिया के पेशेंट को हम दे सकते हैं। और उसमें और क्या लिमिटेशन थे, एक्शन बहुत स्लो था, हमको जल्दी चाहिए एक्शन, एराटिक था, श्योर नहीं था कि कितना होगा। इसमें ड्रग एक्शन इज फास्टर एंड श्योरर, वैल्यूएबल इन इमरजेंसीज। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वॉमिटिंग नहीं होते हैं। अब मैंने जैसे बताया था, फूड से इंटरफेरेंस का चांस ही नहीं, जो ओरल रूट में लिमिटेशन थे। लिवर बाईपास हो जाता है, कैन बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव और वॉमिटिंग पेशेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली है, टेक्निक इज इन्वेजिव एंड पेनफुल। देन असिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन इज मोस्टली नीडेड, दो सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है, लाइक इंसुलिन बाय डायबिटिक्स। ठीक है, वो ले सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। अभी हम जनरल इंजेक्शन की बात करें, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रूट की बात नहीं अभी। फिर लोकल टिश्यू इंजरी हो सकती है एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, एंड इट इज़ मोर रिस्की देन ओरल, क्योंकि ये सीधा ब्लड में जा रहा है। ठीक है, सो आपके जो तीन वाइटल ऑर्गन्स हैं, दोज थ्री, द ब्रेन, द हार्ट एंड द किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, ये तीनों इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर, इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियम के अंदर, इंट्राथीकल, इंट्रा स्पाइनल, मतलब जो कि हम लोग सब आरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं, इंट्रा आर्टीरियल इन साइड द आर्टरी, और इंट्रा आर्टिकुलर इन साइड द जॉइंट। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।